नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही आसान सी रेसिपी, और वो भी एक ही इंग्रेडिएंट से बनने वाली, और वो है सूजी शक्करपारे, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। तो आप इस दिवाली ये रेसिपी, ये भोग अपने महाभोग के रूप में माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पण कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। बट उससे पहले मैं खुशबू कनौजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। और आप मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स को लास्ट में नोट कर दिया है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कप सूजी लेंगे। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगी तेल का। और ये तेल हम यहाँ पर 2 चम्मच ऐड करेंगे। इससे हमारी शक्करपारे बहुत ही खास्ते बनेंगे। तो फिर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पर पानी की हेल्प से इसे एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक ये रेस्ट करता है, तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और इसमें इसे गर्म करेंगे। और इसे गर्म करने के लिए हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जब गर्म होता है, तब तक हम आगे का भी काम करते रहेंगे। अगर आप कम तेल में ज़्यादा शक्करपारे छानना चाहते हैं, तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। आप कढ़ाई के बगल में कोई भी गिलास, कोई भी कप या कोई भी कटोरी में 1 गिलास पानी भरकर रख दीजिएगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा दीजिएगा। तो अब 15 मिनट हो गया है, अब हम इसे थोड़ा सा और टाइट करेंगे। फिर हम इसी चकला को पलट कर इसी पर हम बेल लेंगे। यहाँ पर चकला की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। हो गया ना काम का भी कम और बर्तन भी कम खर्च। फिर हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे और इसे बेलर की हेल्प से एक पतला सा रोटी की तरह बेल लेंगे। फिर हम इसे नाइफ की हेल्प से कटिंग कर लेंगे, जैसा कि हम कटिंग कर रहे हैं सेम वैसा ही। तो हमने सारे को कटिंग कर लिया है। और अगर आपके पास नाइफ़ नहीं है, तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं, आप जिससे शक्करपारे को भी काट सकते हैं। हाथों की हेल्प से लंबा लंबा गोल गोल कटिंग करते जाइएगा और इसे बीच से दबाते हुए निकालते जाइएगा। तो इस तरह से
अब हम सारे को कटिंग कर दिए हैं। अब हमारा तेल भी गर्म है तो देखिए इसमें थोड़ा सा शकरपारे हमने ऐड किए तो वो ऊपर आ गया, तो हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो हम इसमें शकरपारे को ऐड कर देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक तल लेंगे। है ना कम में ज़्यादा बनने वाली ये रेसिपी, तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। आप सोच रहे होंगे खुशबू आपने तो चीनी का यूज किया ही नहीं तो ये शक्करपारे कैसे, तो आप वेट कीजिए ना, मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब ये लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब सारे शक्करपारे को साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम बचे हुए ऑयल को बाहर निकाल देंगे और इसी कढ़ाई में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हम इसी कढ़ाई में ऐड करेंगे एक कटोरी चीनी और इसे पिघलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये लम्स ना आ जाए। चीनी को पकना बहुत ही ज़रूरी है, अगर चीनी अच्छी तरह से नहीं पकेगा तो हमारे शक्करपारे थोड़े नरम बनेंगे। अब हमारी चीनी पक चुकी है तो इसे देख चेक करने के लिए हम एक कप पानी में इसे डिप करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है, तो आप सावधानी से इसे कीजिएगा। और फिर हम इसमें इसको कटोरी से बाहर निकालेंगे तो देखिए इस तरह का बनेगा जो कि लाइन जैसा। तो हमारी चीनी कुक हो चुकी है, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ठंडा किया हुआ शक्करपारे को। तो चलिए इसमें हम ऐड कर देते हैं ठंडे किए हुए शक्करपारे को और गैस को बंद कर कर इसे चलाते रहेंगे जब तक ये भूरा जैसा ना हो जाए। आप देखिएगा ये खुद ही भूरा जैसा होते चला जाएगा जब ये तक ये ठंडा होगा। तो देखिए ये भूरा जैसा होता चला गया और हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और इसे कवर करके मत रखिएगा, नहीं तो ये नरम हो जाता है। तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे एयर टाइट डब्बे में रख देंगे ताकि ये महीनों तक चले। तो आप इसे बनाने के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कितना ही सख्त खास्ता बना है जो कि एक ही हाथ से ये टूट जाएगा। तो देखिए ये कितना ही खास्ता है ना, ये बहुत ही खास्ता, क्योंकि घर का जायका भी खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और जब आप इसे अपने घर पर ट्राई करिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ अपने इसी चैनल घर का जायका विद खुशबू में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड नमस्कार।